नमस्कार। बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब बिहार में महागठबंधन बन चुका है, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 23 जून को महागठबंधन का ऐलान हो चुका है और बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण ये फैसला माना गया है। ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है? क्योंकि बिहार को लेकर जिस कार का अब आंकड़ा बन रहा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कार से यहाँ पर 50 सीटों का दावा यहाँ पर नीतीश कुमार ने किया था कि अगर महागठबंधन बनता है तो फिर बीजेपी लोकसभा चुनाव में 50 सीटों पर सिमट जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें तो बिहार से ही आ जाती हैं। तो बिहार में सियासी हलचल के बीच अब बीजेपी भी बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े ऐलान करने जा रही है, और बीजेपी अब नया गठबंधन बिहार में तलाश रही है। लोकसभा चुनाव में क्या खेला होने जा रहा है, तो बिहार को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है? क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा फैसला और सबसे महत्वपूर्ण रहा यहाँ पर, जिस कार से अब महागठबंधन एकता का संकेत देता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार अब पीएम का दावा ठोक रहे हैं, तो बिहार में बीजेपी नए गठबंधन की तलाश कर रही है। और इस कार की खबर है, जिस कार से हम पार्टी यहाँ पर जो गठबंधन है उससे अलग हुई है, उसके बाद ये माना जाए कि जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। इस तरह के सीट फॉर्मूले की भी यहाँ पर चर्चाएं तेज होने गई है, जिसमें बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी यहाँ 6 सीट, आरएलडी यहाँ पर 2 सीट, यहाँ पर हम पार्टी 1 और बीआईपी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में सीट शेयरिंग को लेकर मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि अब बिहार में जिस कार से पटना में महागठबंधन बना है उसके बाद काफी हलचल बिहार को लेकर बढ़ चुकी है, और ऐसे में बिहार में काफी हलचल है। उसी बीच जो आंकड़े हैं वो भी काफी चौंका सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बिहार की राजनीति के एक बड़े चाणक्य माने जाते हैं, और बिहार को लेकर 40 लोकसभा सीटों पर काफी कुछ आंकड़े अब बदल रहे हैं, जिस कार से एमएलसी चुनाव में 5 सीटों में से बीजेपी जेडीयू को यहाँ 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, और एक सीट यहाँ प्रशांत किशोर के टीम आपा को भी यहाँ जीत मिली थी। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस कार का अब रुख साफ करते नजर नहीं आई, क्या महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, तो बिहार में कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि जिस कार से आम आदमी पार्टी अब बड़े बड़े ऐलान करते ही है, जिस कार से गुजरात हो या फिर अन्य राज्य, जिसमें पंजाब में भी वो सरकार बना चुके हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? बिहार की 40 लोकसभा सीटों का क्या आंकड़ा बन सकता है? बिहार में विधानसभा चुनाव की वर्तमान स्थिति में यह महागठबंधन 164 विधायकों का समर्थन रहा है, जबकि विपक्ष में यहाँ 77 सीटें, बीजेपी के पास यहाँ 77 सीटें यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, बिहार की जनता को लेकर ये सवाल है। तेजस्वी यादव यहाँ 40% लोग की पसंद बनी हुई है, वर्तमान में डिप्टी सीएम के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जिस कार से बड़ा संकेत उन्होंने दिया कि महागठबंधन एक सफल रहा है। जो कार्यक्रम था उसमें कई बड़ी यहाँ पर बातों पर सहमति बनी है, एकता का संकेत भी यहाँ महागठबंधन में मिला है। नीतीश कुमार 27%, बीजेपी नेता 25% यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को आप केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए, इस पर जो सवाल है उस पर हाँ कहने वाले 58% लोग हैं, क्योंकि लगातार यहाँ नीतीश कुमार यहाँ पर राजनीतिक दलों से जो है आपसी बातचीत कर रहे हैं, उसका नतीजा भी मिला। ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं, अखिलेश यादव हो या फिर अन्य दक्षिण भारत के राज्यों के जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई है, और ऐसे में 23 जून को यहाँ एक बड़ी मीटिंग भी हुई, इसका फायदा कितना मिल सकता है, हाँ कहने वाले 58%, नहीं के तौर पर 28%, पता नहीं ऐसे 14% लोग आ जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो आप इनमें से किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, बिहार की जनता का ये यहाँ पर सवाल है। इसमें नीतीश कुमार 39%, नरेंद्र मोदी यहाँ भी यहाँ पर बाजी मारते नजर आ रहा है, 43% लोगों की पसंद है, राहुल गांधी 13% और कोई नहीं ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में आपका समर्थन किस पार्टी को मिल सकता है, तो महागठबंधन को 57% बिहार की जनता के लेकर जो आंकड़ा है, जबकि एनडीए 38% और अन्य की बात की जाए तो 5% आंकड़ा बनता है, क्योंकि नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण मौके यहाँ पर पार्टी के तौर पर दिखाई देते हैं, और जिस कार से एनडीए में थे तब एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, अब महागठबंधन में आ चुके हैं तो यहाँ महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
अगर बात की जाए तो बिहार में किसको कितने वोट मिल सकते हैं एनडीए के लिए। 2019 में जहां 54% वोट शेयर रहा था, इस बार एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार यहां पर जो है महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इस कारण से बीजेपी का जो वोट शेयर है वो घटता नजर आ रहा है। करीब यहां पर 10-13% का नुकसान यहां एनडीए को बिहार में हो सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बिहार में किसे कितने वोट यहां पर जा सकते हैं महागठबंधन के तौर पर देखा जाए आंकड़ा, तो फिर देखिए 2019 में यह 31% वोट शेयर मिला था महागठबंधन को, लेकिन इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इस कारण से 40% वोट शेयर यानी करीब 10-15% वोट शेयर एकदम से इजाफा मिलता नजर आ रहा है बिहार को लेकर, जो आंकड़ा बन रहा है। अगर बात की जाए तो बिहार में किसको कितनी सीट मिल सकती है, 2019 में बीजेपी ने 39 सीटें हासिल की थी, तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन अब अलग हो चुके हैं, तो बीजेपी करीब 14 सीटों पर समझ सकती है, करीब 25 सीटों का नुकसान यहां पर एनडीए को हो सकता है नीतीश कुमार के जाने से। और नीतीश कुमार ने जिस कार के अब आंकड़े जुटाए हैं, जिस कार से महागठबंधन को एक साथ लाने का प्रयास किया है, उसका फायदा भी नीतीश कुमार को बिहार में मिल सकता है। जबकि महागठबंधन की बात की जाए तो एक सीट रही थी, लेकिन इस बार करीब यहां पर 25 सीटें प्लस कर सकती है, सीधे तौर पर यहां पर महागठबंधन को बिहार में फायदा मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो बिहार के पसंदीदा प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ नरेंद्र मोदी जी ही बाजी मारते नजर आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। नीतीश कुमार यहाँ 22%, राहुल गांधी 18% लोगों की पसंद बने हुए हैं। अगर सीटों की बात की जाए, यहाँ पर अन्य जो ओपिनियन पोल रहा था उसमें कुल 40 सीटों में से जेडीयू और आरजेडी करीब 19 से 25 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य की बात की जाए 0 से 4 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में करीब 17 सीट मिल सकती है, 15 से 17 सीट पर यह भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है बिहार को लेकर, जो आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन का ऐलान हो चुका है, और 40 लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है उसमें महागठबंधन का 15 भारी हो सकता है, जो अनुमान 40 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में काफी हलचल देखने को मिल सकती है, क्या महागठबंधन यहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ेगा, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि बीजेपी नए गठबंधन की तलाश कर रही है, और बीजेपी अगर महागठबंधन के लिए कुछ बड़ा उलटफेर करती है तो फिर यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी भी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में ये यहाँ पर किस प्रकार की चुनावी जनसभाएं, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, और कौन यहाँ पर जो है महागठबंधन पीएम चेहरा होगा, उसके बाद बिहार के आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।